नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक Xiaomi कंपनी का Redmi Note 6 Pro मोबाइल आया है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डेड हो गया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो पे आपको 7 स्टेप बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डेड मोबाइल को रिकवर कर सकते हैं, कोई भी डेड मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, देख सकते हैं दोस्तों, प्राइमरी टेस्ट करना है। प्राइमरी टेस्ट में एम्पियर मीटर से कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है चार्जर इंसर्ट करके देखना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चार्जर को मैं लगा दिया हूँ, मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 0.8182 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है जो कि चार्जर लगाने के बाद। और मोबाइल में देख सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं जल रहा है, न ही लाइट हो रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि मोबाइल में कोई शॉर्टिंग का इशू नहीं है, ना ही प्राइमरी लाइन में, ना ही सेकेंडरी लाइन में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, दूसरा स्टेप में चेक करते हैं। दूसरा स्टेप में देख सकते हैं दोस्तों, USB के साथ या फिर PC के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा स्टेप में हमको पूरा फाइंड आउट हो जाएगा क्या प्रॉब्लम आया है। देख सकते हैं दोस्तों, USB को लगाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोर्ट बन रहा है और वो क्या पोर्ट बन रहा है देख सकते हैं, USB Q Volk, या फिर देख सकते हैं आपके स्क्रीन में Q USB Volk बोल के एक पोर्ट बन रहा है जो कि EMMC प्रॉब्लम होने से ऐसा प्रॉब्लम हमको सामने फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से सेट डेड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको दूसरा स्टेप में फाइंड आउट हो गया है इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ से दोस्तों हमको पूरा कंफर्म पता चल गया कि इसमें EMMC में प्रॉब्लम आने की वजह से ये सेट डेड हो गया है। तो हमको दो स्टेप में हमको मालूम पड़ गया कि पहला स्टेप में प्राइमरी टेस्ट करना है, सेकंड स्टेप में PC के साथ कनेक्ट करना है और देखना है क्या पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर इसमें पावर IC या फिर कुछ भी शॉर्टिंग का या फिर कुछ भी हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता तो ये पोर्ट नहीं बनता। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल को कम्प्लीटली ओपन करना होगा और इसमें EMMC जो लगा है इसको रिमूव भी करना होगा। तो दोस्तों ये मोबाइल पे जो EMMC प्रॉब्लम आया है, EMMC को रिपेयर करेंगे, अगर नहीं होगा तो EMMC को चेंज भी करना होगा। चेंज करने के लिए दोस्तों EMMC इंजीनियर फाइल ज़रूरत पड़ता है, जो कि मैं बिना इंजीनियर फाइल से इसको फ्लैश करके दिखाने की कोशिश करूंगा और वो भी ग्लोबल फ्लैश फाइल से। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सैंडिक्स का EMMC लगा है जो कि 254 है और यहाँ पे दोस्तों ये सैंडिक्स या फिर माइक्रोन या फिर और कुछ भी सैमसंग को छोड़ के कोई भी EMMC लगता है तो रिपेयर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसको चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, EasyJTAG पे चेक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं EMMC को रिमूव करने के बाद एक बार इसमें पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ड्राई हो जाने के कारण से भी कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों EMMC को रिमूव करने के बाद एक बार पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद EMMC के ऊपर हम काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं EMMC को रिमूव वाला बोर्ड लगाया हूँ जो कि अभी आपके सामने ही EMMC को रिमूव किया हूँ और यहाँ पे USB को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं क्या पोर्ट बन रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन में, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वालकॉम HS QSB लोडर यहाँ पे 9008 पोर्ट बन रहा है। इसका मतलब ये हार्डवेयर में या फिर हार्डवेयर सेक्शन या फिर ये मदरबोर्ड पूरा कंप्लीट ओके है और हमको 100% इसमें पता चल गया कि इसका EMMC की प्रॉब्लम की वजह से ये सेट डेड हो गया है। तो चलिए दोस्तों EasyJTAG पे EMMC को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। EMMC की लॉक के हिसाब से हमको इसको रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दो स्टेप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हम क्या करना है देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। EasyJTAG पे EMMC को कनेक्ट करके इसका लॉक को देखना है, क्या इन्फॉर्मेशन हमको सामने देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से हमको कंप्लीट पता चलेगा और देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। तो ये लॉक को देख सकते हैं दोस्तों, इसका इन्फॉर्मेशन सामने देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्या है इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करके ऊपर करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है और यहाँ पे FRP लॉक भी लगा हुआ है जो कि आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये Z3X EasyJTAG EMMC फाइल मैनेजर पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन या फिर GPT पार्टीशन सब कुछ ओके है, लेकिन दोस्तों ऊपर में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं EMMC बूट कॉन्फ़िगरेशन को 0x00 0x00 0x01, ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया है देख सकते हैं। वार्निंग, EMMC हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, ये सैंडिक्स का EMMC लगा है और इसका हेल्थ रिपोर्ट वेरी बैड हो गया है, जिस वजह से इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों इसको तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सैंडिक्स का आप लोगों को पता होगा EasyJTAG पे जितना भी काम कर रहे हैं हमारे मोबाइल
मैकेनिक या फिर मोबाइल इंजीनियर भाई ने जो भी काम कर रहे हैं इनको पता होगा कि सैंडिक्स ईएमएमसी एचके हाइनेक्स ईएमएमसी थोड़ा बहुत रिपेयर हो जाता है, लेकिन ऐसा हाईली वेरी बैड हेल्थ रिपोर्ट आए तो ये भी रिपेयर नहीं हो पाता, तो उस टाइम में हमको फेंकना होता है और सैमसंग का कोई भी ईएमएमसी को डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो ईएमएमसी ख़राब हो गया है और इसका डंप को रीड करना है। चार नंबर स्टेप पे आपको सिक्योरिटी और डंप को रीड करके रखना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, चार नंबर स्टेप पे ईएमएमसी का डंप और सिक्योरिटी फाइल को रीड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ईएमएमसी बेकार हो गया है। तो चलिए दोस्तों ये ईएमएमसी का डंप को रीड कर लेते हैं और इसका इन्फॉर्मेशन या फिर सिक्योरिटी फाइल को रीड कर लेते हैं, ताकि हमको नया ईएमएमसी लगाने में बहुत ही आसान से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चार स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में हम प्राइमरी टेस्ट किए, सेकंड स्टेप में पीसी के साथ कनेक्ट किए, थर्ड स्टेप में हम इसका ईएमएमसी को हटा के इसका रीड इन्फॉर्मेशन लिए, क्या लॉक आया था हम आपको ये वीडियो पे बता दिया हूँ। थर्ड स्टेप में इसका सिक्योरिटी और डॉम को रीड करके रखना है और पाँचवा स्टेप में देख सकते हैं ये ईएमएमसी को रिप्लेस करना है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ये सैमसंग का जो कि SEC लिखा है, SEC से जो नाम लिखा है ये सैमसंग का है और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। तो चलिए दोस्तों पांचवा स्टेप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा स्टेप में हमको क्या करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सैमसंग EMMC लगाया हूँ 254 का और यहाँ पे दोस्तों कनेक्ट भी कर दिया हूँ, इसका इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ईएमएमसी में RPM भी क्लीन नहीं है, ये RPM को जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे ये दूसरा सेट में नहीं चल सकता है। तो ये ईएमएमसी को बूटेबल करने के लिए, चालू करने के लिए इसका RPM को क्लीन करना होगा और ये पांचवा स्टेप में मैं आपको ये वीडियो पे दिखा रहा हूँ इसका RPM कैसे क्लीन करना है, कैसे इसका इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी फाइल और इसका डॉम्प राइट करना है। डॉम्प राइट करने के बाद इसमें कोई भी फ्लैश नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये ईएमएमसी को ऐसे ही डायरेक्ट बोर्ड के साथ पेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका RPM को क्लीन करते हैं और इसमें जो सिक्योरिटी फाइल और डंप फाइल रीड किए हैं इसको भी राइट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड करके चला रहा हूँ, ताकि वीडियो ऐसे ही 23 मिनट 31 सेकंड का है और वीडियो को बीच बीच में स्किप नहीं करूँगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, तो 1 से 1.5 घंटा हो सकता था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि सोमवार बुधवार और शुक्रवार के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। शाम के 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक जरूर कीजिए।
तो दोस्तों अभी तक हमारा 5 स्टेप कंप्लीट हो गया है और देख सकते हैं EMMC को मैं रिवॉल्व करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये EMMC बिल्कुल बूटेबल हो गया है और इसको जब तक हम बोर्ड में पेस्ट नहीं करेंगे तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको रिवॉल्व करके बोर्ड में पेस्ट करते हैं और इसको फ्लैशिंग करते हैं। किस में फ्लैशिंग करेंगे? ग्लोबल फ्लैश फाइल से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं IC को मैं रिवॉल्व कर चुका हूँ और यहाँ पे बोर्ड में फिक्स करके इसको अभी फ्लैश करने की कोशिश करेंगे। 6वां स्टेप पे हम क्या करेंगे, 6 नंबर स्टेप पे इसको ग्लोबल फ्लैश फाइल से इसको फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे EMMC को मैं पेस्ट कर दिया हूँ और देख सकते हैं आपके स्क्रीन में अभी ये मोबाइल को चालू करके देखते हैं चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन में 6 नंबर स्टेप पे EMMC को फिट करने के बाद ये मोबाइल को चालू करेंगे। यहाँ पे मैं बोर्ड को फिक्स करता हूँ फ्रेम के साथ और यहाँ पे मोबाइल ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सैमसंग का EMMC अभी फिक्स कर चुका हूँ और ये अभी रेडी है फ्लैश होने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बूटेबल कर चुके हैं, डंप राइट कर चुके हैं, सिक्योरिटी फाइल को राइट कर चुके हैं। जब तक इसमें ग्लोबल फ्लैश फाइल या फिर इसमें इंजीनियर फ्लैश फाइल नहीं डालेंगे तब तक ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा। फिर भी मैं ऑन करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। रेडमी लोगों पे ये रहेगा, लोगों पे अटकेगा, लोगों पे रुक जाएगा। तो दोस्तों ये फिक्स कर दिया हूँ फ्रेम के साथ और ये मोबाइल को मैं ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एम्पियर मीटर से फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है और पहले कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा था, अभी कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। देख सकते हैं दोस्तों रेडमी लोगो पे ये रुका हुआ है और ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं ये रेडमी लोगो पे रिस्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लिंक हो गया, इसका मतलब रिस्टार्ट हो गया। फिर भी एक बार इसका पावर स्विच को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं क्या पावर स्विच भी खराब होने के कारण से ऐसे रिस्टार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ये आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा वेट करने के बाद हमको थोड़ा सा भी सिम्टोम पता चल जाता है कि ये लोगों पे रुका हुआ है या फिर ये लोगों पे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं ये रेडमी लोगों से आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 7वां स्टेप पे आपको पूरा कम्प्लीटली जानकारी दे दूंगा कैसे आपको ग्लोबल फ्लैश फाइल से फ्लैश करके Redmi Note 6 Pro, Note 5 Pro इसका बूटेबल कर सकते हैं और कोई भी EMMC को लगा के इसको रिपेयर कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे Redmi से आगे नहीं बढ़ा है और यहाँ पे एम्पियर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है। तो दोस्तों यहां से हमको पता चल गया कि ये बूटेबल तो हो गया है लेकिन ये Redmi लोगों पे रुका हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्लैश नहीं है। फ्लैश फाइल से इसको फ्लैश करेंगे तब ये मोबाइल चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों ये मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दिया हूं बैटरी से और ये इसको UMT से इसको फ्लैश करके देखते हैं UMT को फ्लैश करने के बाद ये मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन में, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके चला रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना ले पाए, फिर भी ये 23 मिनट के आसपास ये वीडियो बना है। और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो बनाने में लगभग 2 से 3 घंटा का वीडियो बनता है। हम इसको काट छाट के आपके सामने कम से कम समय तक इसको दिखाने की कोशिश करते हैं और इसको कंप्लीट जानकारी देने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल को मैं कम्प्लीटली फ्लैश कर दिया हूँ और ये मोबाइल रेडमी लोगों पर फिर भी रुका हुआ है। ये 7वां स्टेप पे हम क्या करेंगे इसका दिखाऊंगा आपको। इसको थोड़ा सा बूट करने देते हैं, बूट होने देते हैं। तो ये फास्ट बूट अप है, ये मोबाइल फास्ट टाइम चालू हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 15 से 20 मिनट लग सकता है चालू होने में। तो वेट करते हैं 15 से 20 मिनट कम्प्लीटली चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समय ना ले पाए और आपको कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे चार्जर में कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मोबाइल को फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले कर रहा हूँ। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट हो गया है लेकिन दोस्तों ये Redmi लोगों से आगे नहीं बढ़ा है। ये 7वां स्टेप है दोस्तों। 7वां स्टेप में आपको क्या करना है देख सकते हैं आपके स्क्रीन में और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले रीड इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ और ये मोबाइल को फिर से एक बार कनेक्ट कर देता हूँ EDL मोड में। देख सकते हैं आपके स्क्रीन में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल तो कम्प्लीटली कनेक्ट हो गया है लेकिन दोस्तों इसमें और एक चीज़ और एक फाइल को डालना है। जब तक ये फाइल को फ्लैश नहीं करेंगे तब तक ये मोबाइल कम्प्लीटली चालू नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें
सिक्योरिटी फाइल पहले से डाल दिए हैं, उसके बाद डंप भी राइट कर दिए हैं। जब ये मोबाइल बूटेबल हो गया इसमें फ्लैश फाइल भी चढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आखिरी जो स्टेप है, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल को फिर से EDL मोड में कनेक्ट करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं UMT QC फायर में एडवांस फ्लैशर टूल यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में, जैसे मैं आपकी स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मोबाइल को कनेक्ट होने देते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद एक फाइल आता है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो कि आपके स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका पार्टीशन सब शो हो रहा है, जो कि एक एक फ्लैश फाइल को एक एक पार्टीशन में हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये DEVC FG जो लिखा है, ये पार्टीशन को हमको चेंज करना है। और मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन में ये फाइल को मैं रखा हूँ, जो कि डिवाइस मैनेजर या फिर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा DEVC FG जो फाइल है इसको ओपन करके इसको राइट कर देना है, और उसके बाद देखते हैं ये मोबाइल चालू होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों इसको राइट करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, मोबाइल को मैं चालू करके 100% इसको रिकवर करके दिखाने की कोशिश करूँगा OV ग्लोबल फ्लैश फाइल से और OV EMMC चेंज। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्लैश फाइल राइट हो गया है। तो चलिए दोस्तों सीधा आपको मैं स्क्रीन में लेके चलता हूँ और मोबाइल को चालू करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले 15 से 20 मिनट वेट किए, उसके बाद भी चालू नहीं हुआ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये रियल टाइम व्यू है, रियल टाइम प्ले है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे मोबाइल को जैसे ही कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे चार्जिंग सिंबल आ गया, और यहाँ पे चार्जर को सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, देखते हैं चार्जिंग सिंबल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर कंज्यूम हो गया है, और यहाँ पे दोस्तों रेडमी लोगो पे आ गया है, और देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं, चार्जिंग लोगो आ गया है आपके सामने। देख सकते हैं कम्प्लीटली मोबाइल ऑन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पहले जब हम इसको चालू किए, चार्जिंग पे कनेक्ट किए, ऐसा लोगो नहीं आ रहा था, चार्जिंग सिंबल नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये पूरे फुल तरीके से पूरा कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, जो कि ये फाइल डालने के बाद। मोबाइल को मैं चालू कर देता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ ये मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों Xiaomi कंपनी का Redmi Note 6 Pro जो कि डेट होकर मेरे पास आया था, और इसमें क्या प्रॉब्लम था, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करना है, ये आज ये वीडियो में बताया। 7 स्टेप में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी डेड मोबाइल का, और कोई भी डेड मोबाइल को कैसे 7 स्टेप में रिपेयर कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके सामने ही रिजल्ट देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल तो कम्प्लीटली ऑन होगा, 100% गारंटी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि सोमवार बुधवार और शुक्रवार के वीडियो शाम के 6 बजे मैं अपलोड करता हूं, नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली सेटअप हो गया है और यहाँ पर चालू होने वाला है। कुछ ही देर में मोबाइल कम्प्लीटली चालू हो जाएगा, यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया क्योंकि दोस्तों इसमें चार्ज नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मोबाइल को मैं चालू कर दिया हूँ और देख सकते हैं दोस्तों फिर से बूट अप हो रहा है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके स्क्रीन में कम्प्लीटली ये मोबाइल चालू हो गया है। तो चलिए दोस्तों ये मोबाइल का सिक्योरिटी राइट हुआ है या फिर नहीं हुआ है इसको चेक कर लेते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों वाईफाई ऑन है, यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका सिक्योरिटी 100% राइट हो गया है। तो दोस्तों फिर भी कंफर्मेशन के लिए इसका बेसबैंड स्टेटस को देख लेते हैं और इसका IMEI को भी चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे Note 6 Pro और यहाँ पे 6GB रैम वाला ये EMMC में लगा दिया हूँ, और यहाँ पे बेसबैंड स्टेटस देख सकते हैं, बेसबैंड वर्जन देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से राइट हुआ है जो परफेक्टली। तो यहाँ तक सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन हमको कन्फर्म मिल गया है, और यहाँ पर एक बार IMEI नंबर को चेक कर लेते हैं, देखते हैं IMEI राइट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों 7 स्टेप में कैसे डेड मोबाइल को रिकवर कर सकते हैं इसके बारे में पूरा जानकारी देने की कोशिश किया। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक बनता है। यहां पे दोस्तों मैं *H06# प्रेस करके इसका IMEI को चेक कराता हूं और आपको मैं कंफर्मेशन करके दिखाता हूं ये मोबाइल 100% सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।